दोस्तों स्पीडो मैच जो कवर करने वाले हैं जो कि डे ऑफ द डे का थर्ड इंडियन डोमेस्टिक T20 का मैच खेला जाएगा। अगर आप देखोगे तो ये ना सीरीज का थर्ड मैच और एक टाइम पे ना एक ही मैच, ये मैच है आंध्रा और साथ ही साथ गोवा के बीच ही मैच है। तो अगर आप देखोगे ये आंध्र प्रदेश और गोवा के बीच मैच है, T20 मैच है, पहला मैच है, तो कोशिश करना कि फर्स्ट मैच है तो आप कम पैसे इन्वेस्ट करके चले। इसके बाद सभी टीम्स के अगर एक एक मैच हो जाएंगे उसके बाद इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा, ज़्यादा टाइम इस मैच के स्टार्ट होने में सिर्फ 4 घंटे, और बाकी के मैंने 2 मैचेस तो मैं कवर कर ही चुका हूँ। बाकी ये देखोगे थर्ड वाला मैच है ना, अच्छा है, कोई ख़राब नहीं है, फिर भी कोशिश करना कि फर्स्ट मैच है आंध्र प्रदेश और गोवा के बीच ये मैच है। लेकिन फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम चाहिए उससे ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे फाइनल टीम, देखो डेडलाइन से आपको 15-20 मिनट पहले फाइनल टीम मिल जाती है 15 मिनट पहले, और जो अपडेट्स वगैरह रहती है आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है। कन्फर्म बैटिंग ऑर्डर आपको हमेशा मैं प्रोवाइड करता हूँ, तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना, फेक मत करना, ऑफिशियल ज्वाइन करना। मैं कमेंट बॉक्स में लिंक पिन कर दूंगा, उस पर टैप करके ज्वाइन कर लेना, लिंक 100% काम करता है। तो टेलीग्राम चैनल कमेंट बॉक्स के लिंक से ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक 100% काम करता है। तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना, 33,000 से ज़्यादा लोग हैं। तो ये जो मैच खेला जाएगा, पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, अभी देखो यार मुझे भी स्टार्ट ज़्यादा मिले नहीं, और मैं स्टार्ट से मुझे पढ़ता भी नहीं हूँ, ठीक है। हर एक प्लेयर को आप अच्छे जानते हो और कितने साल से हम लोग ये सीरीज कवर कर रहे हैं, इसका टेस्ट मैच भी कवर कर चुके हैं, ODI मैच भी कवर कर चुके हैं, वनडे मैचेस, ODT। ये जो मैच है ये वही फॉर्मेट है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का फॉर्मेट है, ध्यान रखना। ये मैच रांची में खेला जाएगा, ठीक है, रांची में मैच खेला जाएगा, झारखंड में। अगर हम बात करते हैं ये मैच 1:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग 1 बजे एक्टिव रहना टेलीग्राम चैनल पे। वेन्यू बता चुका हूँ, रांची में मैच खेला जाएगा, JCA ओवल ग्राउंड पे मैच खेला जाएगा। उसके अलावा पिच रिपोर्ट की हम बात करें, ये जो रांची का जो विकेट है ये किस तरीके के, जो पिच किस तरह बिहेवियर रहता है आप एक बार ये देख लो। तो ये जो विकेट है एक बैलेंस विकेट है, यानी न्यूट्रल विकेट है, और ये जो रांची का जो विकेट है वो ना, मतलब कि इस विकेट पे थोड़ा सा ज़्यादा बाउंस होता है, यानी कि पिच तो न्यूट्रल है लेकिन इस विकेट पे थोड़ा सा ज़्यादा बाउंस होता है बॉल। तो ध्यान रखिएगा उस हिसाब से अपने को टीम को क्रिएट करना है, थोड़ा सा ज़्यादा इस विकेट पे बाउंस होता है, और स्पिनर्स के इस विकेट पे टर्न मिलता है, पेसर्स को मतलब सपोर्ट तो मिलता है लेकिन स्पिनर्स को भी टर्न यहाँ पर मिल जाता है ठीक ठाक। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, स्पिनर्स में भी गेम चेंजर भी हो सकता है लेकिन पेसर्स को तो सपोर्ट मिलता ही है, स्पिनर्स को इस विकेट पर टर्न मिल जाता है। एंड बात करते हैं सबसे पहले, हाँ वेदर अगर बता दो, वेदर क्लियर है रांची में, कहाँ बारिश, जो कहीं बारिश कहाँ हो रहा है, एकदम क्लियर वेदर है, कोई भी बारिश का चांस वगैरह नहीं है, धूप निकला होगा, बात खत्म। उसके अलावा आंध्रा के हम बात करते हैं, आंध्र प्रदेश के अगर हम बात करते हैं लाइनअप से, तो ये जो बैटिंग ऑर्डर है मुझे खुद भी मतलब कि नहीं मिल रहा था, इतने देर से मैं बैठा हुआ था 4 घंटे, तो मैं सोचा यही बैटिंग ऑर्डर आपको शेयर कर देता हूँ, क्योंकि लगातार अभी मैंने 2 मैचेस के वीडियो शूट किए हैं, तो उतना मतलब कि एफर्ट्स में लगाना नहीं चाह रहा फालतू का, क्योंकि यार बैटिंग ऑर्डर अभी मिल भी नहीं रहा था, बट कोई नहीं, हम लोग हर एक प्लेयर को जानते हैं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, मैं कंफर्म बैटिंग ऑर्डर टेलीग्राम पे शेयर कर दूँ, तो उसकी टेंशन मत लो कि यार बैटिंग ऑर्डर क्या होगा, उसकी टेंशन छोड़ दो, अभी आपको आगे में भी क्लियर कर दूंगा और टेलीग्राम पर तो मैं खेल क्लियर कर ही दूंगा। ये चीज़ें मैं वेबसाइट पर अभी तक अपलोड नहीं करूँ, टाइम ही नहीं मिला, टाइम कम था, इसलिए यही आप भैया इसी बैटिंग ऑर्डर से काम चला लो। इस बैटिंग ऑर्डर नहीं है, ये लाइनअप है, के करण सिंह थे जो कि टीम से इस मैच के लिए अवेलेबल है, कॉबरी सत्यजीत सही तेजे के साथ इस मैच के लिए अवेलेबल है, उसके अलावा के अश्विन हेबार भी अवेलेबल है, उसके अलावा हनुमा बिहारी अवेलेबल है, यारा संदीप अवेलेबल है, आर के भी अवेलेबल है, साई रसीद अवेलेबल है, केएस भरत जो कि कैप्टन से कर रहे टीम दस है, जबरदस्त इंपॉर्टेंट है, विकेट कीपिंग प्लस ओपनिंग भी करेंगे, टीम दस अवेलेबल है, उसके स्टेफन भी अवेलेबल इस मैच के लिए, हेमंत रेड्डी भी अवेलेबल है, जी मनीष भी अवेलेबल है। ये है आंध्र प्रदेश का लाइनअप, सब आप देख लो, ये लाइनअप ठीक ही ठाक है, लेकिन एक बार कन्फर्म है टेलीग्राम पे जरूर से करूंगा, ये सिर्फ प्रोबेबल के आधार पर कि हाँ यार ये 11 प्लेयर्स अवेलेबल है, आप इन 11 में से ही अपने मतलब बेस्ट 11 चूज कीजिएगा। उसके अलावा हम बात करते हैं बेंच प्लेयर्स, तो एम धीरज कुमार इस बार बेंच पे रहने वाले हैं, उसके अलावा तापसी भी बेंच पे, बहुत लोग इनको ट्राई कर रहे हैं, तापसी भी बेंच पे रहेंगे, पृथ्वीराज भी बेंच पे रहेंगे, और रेड्डी भी बेंच पे रहेंगे, ए ललित भी बेंच पे रहेंगे जो कि बहुत लोग पिक भी कर रहे थे, एच रेड्डी भी बेंच पे रहने वाले हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसके अलावा गोवा की हम बात करते हैं, तो गोवा की टीम दस ओपन करेंगे, टीम दस से हरिकंद जो कि विकेट कीपिंग करेंगे, कृष्ण सुधार जो कि अच्छा प्लेयर है, इनको ना इनका सिलेक्शन मैंने देखा था अभी कुछ देर पहले, बहुत ही कम सिलेक्शन, बट ये टीम से जबरदस्त ओपनिंग करते हैं, प्लस तावड़ तो बल्लेबाज है, TNPL का आप कह लो कि जबरदस्त बल्लेबाज है। उसके अलावा एस के उत्तरंकर भी अवेलेबल है, एस प्रदोसे भी अवेलेबल इस मैच के लिए, उसके अलावा बघेली भी अवेलेबल है टीम दस से, इनका पूरा नाम मैं लिख नहीं पाया यार क्योंकि मिला नहीं, और मैं अगर लिखने बैठता तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाता, 4 घंटे मेरे पास समय है। राहुल त्रिपाठी जो कि कैप्टनसी करेंगे टीम की तरफ से, और राहुल त्रिपाठी एक मस्ट पिक होनी चाहिए, टेलीग्राम
T20 मैचेस से हीटिंग भी जबरदस्त करता है, हालांकि फॉर्म थोड़ा सा खराब है बस। शुभम तारी जो कि हीटिंग ये भी अच्छी कर लेते हैं टीम 10 से। उसके अलावा TW मिसाल अवेलेबल है, एस तेंदुलकर अवेलेबल है, विकेट टेकिंग प्लेयर है। उसके अलावा TD भी अवेलेबल है, FBL में अवेलेबल है। तो ये लाइनअप सब गोवा का देख लो। उसके अलावा बात करते हैं एले गैरेक जो कि बेंच पर रहेंगे, ईशान जो कि टीम 10 बेंच पर रहेंगे, तुनिस भी बेंच पर रहेगा, मोहित रेदकार भी बेंच पर रहेंगे। तो बस इतनी इसी के अकॉर्डिंग अपनी टीम क्रिएट करते हैं। मैं स्टार्ट से पीछे जनरली पढ़ता नहीं हूँ और स्टार्ट से आपको फर्स्ट टाइम में लेना नहीं चाह रहा, ठीक है? तो बहुत लोग स्टार्ट से देते हैं 25-25-30 मिनट की वीडियो अपलोड कर देते हैं, बट एक्चुअल वो लोग फर्स्ट टाइम कमाना चाह रहे हैं जिससे उनकी वीडियो और सजेशन भी जाए। बट मैं ऐसा कभी, आप देख रहे हो 4 साल से लगातार वीडियो शूट कर रहा हूँ, लगातार 4 साल से लगातार कर रहा हूँ, बट आज तक मैंने कभी भी मतलब बहुत कम ही स्टार्ट की वीडियो मैंने अपलोड की हुई, बहुत कम ही। जब मेरे टीम मेंबर्स बोलने लगते हैं ना तभी मैं शूट कर। हालांकि अगर किसी को स्टार्ट वगैरह देखने होते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो, एकदम फ्री में ही देख सकते हो, ठीक है? मैं उस हर एक चीज़ के लिए अलग अलग टीम है, और हाँ चैनल फ्री है, आपको कहीं भी 1 रुपया भी खर्च नहीं करना, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। है ना, बात करते प्लेयर वाइज सर्विसेज से, 1 रुपया भी पे मत करना मेरे नाम से, 1 रुपया भी। बहुत से फेक अकाउंट्स मेरे नाम से बने हुए हैं, उनसे दूर रहना। बात करें विकेट कीपर सेक्शन, उससे पहले दोस्तों वीडियो को जूस लाइक से मोटिवेशन मिलता है, प्लीज वीडियो जूस लाइक कर देना। चैनल सबसे पहले कॉल पर सेट कर, तो आने वाली वीडियो से सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। बात करें विकेट कीपर सेक्शन, पहली बात तो भरत तो ऐसे भी इंपॉर्टेंट है, कैप्टनसी प्लस ओपनिंग प्लस विकेट कीपिंग काफ़ी मस्ट पिक होनी चाहिए। जो टीम है वो लॉजिकली बेस पे जाएगा, ना कि सिलेक्शन बेस पे जाएगा। और वही की बात करते हैं अवेलेबल है, राहुल नाम है क्या इसका, है डिक्की भी टीम तो अवेलेबल है यार, कवर कर सकते हो। रिसेंटली मैंने आई थिंक 1-2 मैचेस में मैंने कवर किया था इसे, कुछ महीने पहले एक जो सीरीज चल रहा था उसमें इनका नाम था, उस समय ये अच्छे फॉर्म में चल रहे थे। फिलहाल स्मॉल की टीम दे रहा हूँ, तो स्मॉल की टीम में आप भरत के साथ ही जाइएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अच्छी बैटिंग भी करते प्लस एक टेक्निकली स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। उसका हरिकांत भी अवेलेबल है, बट मैं प्रेफर करूँगा स्मॉल टीम इनके साथ जाओ, ग्रैंड टीम में कैप्टन करके चलिएगा इसको। उसके अलावा सबसे पहले हनुमा विहारी एक ज़बरदस्त ऑप्शन है टीम 10 से, हालांकि है तो टेस्ट मैच का प्लेयर, लेकिन कवर करना पड़ेगा आपको क्योंकि यहाँ पे अवेलेबल है प्लस टॉप ऑर्डर के प्लेयर है। हनुमा विहारी टीम 10 पिक कर ले, राहुल त्रिपाठी इंपॉर्टेंट है टीम 10 से। उसके अलावा एस परदूसरे टीम 10 से, सुयास परदूसरे की रुको, सुयास अवेलेबल तो था यार, टीम 10 से अवेलेबल है तो चाहो तो पिक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, टीम से अवेलेबल है, गोवा का टीम 10 से प्लेयर रहेगा। नीचे देखोगे तो एक एस रात को कोई नहीं ट्राई करा, पे ट्राई करेगा कि सिद्धार्थ ये ना टेक्निकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर, TNPL के कह लो कि स्टार प्लेयर, जैसे साई सुदर्शन नहीं है उसी तरीके ये भी है कि सिद्धार्थ अच्छा प्लेयर टीम 10 है, चाहो तो अपनी ग्रैंड टीम में जगह दे देना। फिलहाल मैं साइड रखता हूँ, बट स्मॉल टीम में इनका सिलेक्शन बहुत ही कम है, अगर जो रिस्क टेकर को ट्राई कर सकते हैं, अच्छी बैटिंग करते हैं ग्रैंड टीम में दूसरा ट्राई कर लेना। फिलहाल मैं 3 बैटर प्रेफर कर रहा हूँ फिलहाल के लिए स्मॉल टीम में, इनफ है, चाहो तो 2 के साथ भी जा सकते हैं, इनके साथ जाने में फायदा है, बैटिंग अच्छा कर लेगा प्लस हर एक टीम में मिल जाएगा आपको, तो थोड़ा सा सेफर साइड भी चला जाएगा। उसके अलावा ए तेंदुलकर अवेलेबल है ना, इसका नाम मैंने देखा था कहीं, अवेलेबल होना तो चाहिए, हालांकि फॉर्म भले ही खराब हो अर्जुन तेंदुलकर का, लेकिन अवेलेबल था, हाँ है अवेलेबल, ठीक है गोवा में अवेलेबल ही रहा अर्जुन तेंदुलकर, कवर के चलते अच्छा बॉलिंग, तो बॉलिंग अच्छा मैं कह नहीं सकता, लेकिन हाँ अच्छा प्लेयर है, हालांकि बैटिंग वोटिंग कुछ खास करता नहीं, लेकिन ठीक ठाक है, कवर के चलो। डी मिसाल ये अवेलेबल है क्या, डी मिसाल अवेलेबल है तो चाहो तो कवर कर सकते हो, लेकिन मैं सिलेक्शन इसमें तापसी अवेलेबल नहीं है तो इसको कवर मत करना, 33% लोग सिलेक्शन है। एच रेडी वगैरह भी ये सब साइड रखिएगा फिलहाल के लिए, मैं डी मिसाल को साइड रखता हूँ, अभी कवर करेंगे पहले मेन प्लेस का जो टारगेट है उसको कवर करते हैं। उसके अलावा एल गैरेक टीम 10 से 1 मिनट अवेलेबल है, कहाँ अवेलेबल है, लाइन उसमें नहीं, बेंच पे है नाम इनका, लोग ट्रक कवर क्यों कर रहे हैं यार बेंच पे जब नाम है, तो 91% सिलेक्शन है, इसको साइड रखिएगा। एच रेडी ये वाला अवेलेबल है, अगर चाहो तो अपने टीम दे सकते जगह, ये वाला अवेलेबल नहीं है जो बॉलिंग मतलब कि जो ऑलराउंडर में, ये अवेलेबल है, ठीक है 2 एच रेडी है, देखा ध्यान रखना, तो एच रेडी है जो बॉलिंग में है वो अवेलेबल है। उसके अलावा ऐप खेलो में भी अवेलेबल था, नीचे देखोगे पृथ्वीराज, ये ना बंदा जबरदस्त है, कवर कर लो, ये पृथ्वीराज अवेलेबल है, पृथ्वीराज ही आ रहा आंध्रा में, पृथ्वीराज, और यार बेंच पे है यार इसका नाम, ये गड़बड़ है यार, अवेलेबल में राम सुना तो बस पृथ्वीराज, लेकिन बेंच पे रहने वाला है। नीचे देखोगे एल मोहन है, स्टेफेन अवेलेबल है, तो देखोगे तो मैं जो 6 प्लेयर्स लिए काफ़ी ज़्यादा सब अवेलेबल भी है, अब जो बाकी की जो लेने ना 5 प्लेयर्स, अब आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले देखो एल गैरेक अवेलेबल ये बेंच पे, पृथ्वीराज भी बेंच पे है, एप अवेलेबल तो था शायद, अवेलेबल है वो देख लो, हाँ ऐप एल एम अवेलेबल है, कवर करके चलते हैं, तो मैं कवर करना परफेक्ट कर देता हूँ फिलहाल के लिए, इसको कवर कर लेते हैं। उसके अलावा पृथ्वीराज है नहीं, एस तारी अवेलेबल है, एस तारी को पिक कर सकते हो, एल मोहन वगैरह
अलमोंडो का ऐसे देखो अच्छी टीम क्रिएट की, दो यार लाइनअप सही नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं चाहता हूँ ये चीज़। अलमोहन यहाँ पे ललित मोहन को कवर मत करना, ये अवेलेबल ही नहीं है लाइनअप में, तो उसको साइड रखिएगा। स्टेपन अवेलेबल, स्टेपन को कवर कर सकते हो, 7% लग सकते हैं कि बॉलिंग अच्छा कर लेता है, पेसर अच्छा है, इस विकेट पे पेसर सपोर्ट भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि रेगे अवेलेबल रखिएगा तो ट्राई कर लेना। टी पी साल को हम कवर कर लेते। एम गुलू मारू ये अवेलेबल है क्या आंद्रा में? एम गुलू मारू टीम का सिर को अवेलेबल तो नहीं है आंद्रा में ना यार। तो ये इसकी हम बात करें तो ये फिलहाल कवर कर चलते, क्योंकि 91% सिलेक्शन है, बहुत तो इनको पिक करके चलेंगे, क्योंकि बहुत लोग सीबीसी बना रखे हैं अंत वक्त ने, तो मैं इनको कवर करना चाहूंगा। कवर कर चलते स्मॉल टीम में। अब जो 11 प्लेयर लेते हैं देखो, बहुत लॉजिकली टीम बना है, 5-5 का कॉम्बिनेशन, और ये ना टीम डेफिनेटली बोल रहा हूँ बहुत लॉजिकली बेस पे है। हर एक प्लेयर खेलते जा जाएगा, उन्हीं प्लेयर्स को कवर किया हो जो इस मैच के लिए अवेलेबल है, वो खेलते ना जब आ जाएंगे, कोई फालतू प्लेयर्स नहीं है। तो फिलहाल के लिए जो फाइनल प्लेयर है मैं लेना चाहूंगा, मेरा मन तो के सिद्धार्थ के साथ जाने के लिए, के सिद्धार्थ जबरदस्त बैटिंग करता है, तो आप के सिद्धार्थ के साथ जा सकते हो। देखो ये आपको डिपेंड है के सिद्धार्थ अपनी टीम में चाहिए या फिर नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से के सिद्धार्थ, आप मुझे कमेंट करना क्या के सिद्धार्थ के साथ जाना चाहिए, जो लोग पुराने प्लेयर उनको पता हो के सिद्धार्थ अच्छी बैटिंग करता है। हालांकि वो बात अलग है कि ज़्यादातर मैच ऐसे फ्लॉप ही जाता है, लेकिन फिर भी अच्छी बैटिंग कर लेता है। मैं इनको साइड रख के अपनी टीम में पिक कर लेता हूँ। कोई बॉलर मैंने सोचा था, बट मैं बॉलर अगर ये पृथ्वीराज खेले तो इनको ट्राई कर लेना। एलमोहन वगैरह अवेलेबल तो है नहीं, तो मैं फिलहाल के लिए मैं जा रहा हूँ देखिए व्यू के साथ, क्योंकि रिसेंटली मैंने इनको पिक भी किया था। बैटिंग देखो इसकी बैटिंग ऑर्डर में पहले तो कंफर्म करूँगा टेलिया पे, हालांकि है ये टॉप ऑर्डर का ही प्लेयर है, जनरली फोन अप तक बैटिंग कर लेता है, मिडल ऑर्डर से नीचे ये नहीं जाता है, लोअर डाउन नहीं जाता है, मिडल ऑर्डर तक बैटिंग कर लेता है, तो इनको मैं कवर कर रहा हूँ। बट हो सकता है कि फाइनल टीम में आई अपडेटेड होगा, अगर ये टॉप ऑर्डर बैटिंग नहीं किया तो उसके से मैं चेंज कर लूँगा, लेकिन मेरे हिसाब से टॉप ऑर्डर में बैटिंग करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। रिकी व्यू अभी जनरली फॉर्म में चल रहा था रिकी व्यू रिसेंटली, तो इसलिए मैं कवर कर रहा हूँ। तो ओवरऑल एक स्मॉल एक टीम क्रिएट हो चुकी है, हालांकि इस टीम में देखो एक दो चेंजेस मैं डेफिनेटली करूंगा, और फर्स्ट मैच है तो कोशिश करना कि कम ही इन्वेस्ट करें। कैप्टन से बात कर तो मैं प्रेफर करूंगा हनुमा बिहारी वगैरह, ये सब तो इस टेस्ट मैच के प्लेयर्स है। T20 के हिसाब से तो मैं राहुल त्रिपाठी प्रेफर करूंगा, क्योंकि तगड़ी हिटिंग करेंगे, प्लस T20 मैच उस हिसाब से तो काफ़ी सही रहेंगे। और वाइस कैप्टन आप चाहो तो भरत के साथ जा सकते हो, लोग हनुमा बिहारी को कह रहे हैं, बट वो लॉजिक भी ठीक है, बट इनके साथ जाने में फायदा है कि विकेट कीपिंग प्लस ओपनिंग प्लस टीम की तरफ से कैप्टनसी, तो ये अच्छे रहेंगे। अब कुछ लोग बोले कि हनुमान बिहारी को करो, भाई ये टेस्ट मैच का प्लेयर है, मुझे इनसे थोड़ा सा होप कम ही रहता है। हालांकि भरत भी अच्छे प्लेयर टीम से, लेकिन T20 ज़्यादातर भरत भी जोर से खेलते हैं, हनुमान बिहारी के थोड़ा सा टेक्निकली स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, और हनुमान बिहारी बॉलिंग भी अच्छा करता है, लेकिन भरत के पास ज्यादा पाए, हालांकि हनुमान बिहारी यहाँ बॉलिंग नहीं करेगा, ठीक है ध्यान रखना टेस्ट मैच नहीं है। तो अगर भरत के साथ जाते हो तो विकेट कीपिंग से भी आपको एडवांटेज रहेगा, प्लस ओपनिंग भी करता है अच्छी, और साथ से कैप्टनसी कर रहा है, तो मैं हनुमा बिहारी के साथ नहीं जाके मैं भरत के साथ जा रहा हूँ, जो कि मुझे सही लग रहा है। आप मुझे कमेंट करता है किसके साथ? देखो अर्जुन तेंदुलकर से तो होप ही मत करना कि बंदा कुछ ज़्यादा खास करेगा, इससे होप ही मैं नहीं करता कभी। और ये मनीष गोलू मारू से तो साइड ही रखिएगा, ओवरऑल टीम जैसी बननी चाहिए उसी बन चुकी है। एक दो चेंजेस तो करूँगा आपका टॉस, लेकिन टीम परफेक्ट है स्मॉली के हिसाब से, ये टीम मुझे पर्सनली बहुत पसंद आ रहा है। सेम से कॉन्टेक्ट बुक कर दो सेम टीम के साथ, टीम परफेक्ट है स्मॉल लीग के लिए। मैं मिलता हूँ टेलीग्राम पे, अभी जाके कॉन्टेक्ट जाके बुक कर दो, इन्वेस्टमेंट लिमिट में ही करना। कैप्टन राहुल त्रिपाठी T20 के हिसाब से सही रहेंगे, वाइस कैप्टन भरत के साथ गया हो और उसके लिए गली खेल रहे हो तो आप एस प्रदर्शन इसके साथ कर लीजिएगा, और हनुमा बिहारी को अर्जुन तेंदुलकर को इन सबको ट्राई कर जा सकता है अपनी गली टीम में, लेकिन स्मॉल टीम में राहुल त्रिपाठी और भरत ही प्रेफर करूंगा। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करना, बहुत से डाउट्स अगर मुझे पता है लाइन्स वगैरह कन्फ्यूजन है, बट मैं आपको क्लियर कर दूंगा, आप टेलीग्राम पे आ जाओ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। कमेंट बॉक्स में लिंक भी नहीं, उस पर टैप करके ज्वाइन करो, लिंक एंड पर्सन काम करो।